बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में सम इफ़ इन एक्सेल हम देखेंगे। तो द सम इफ़ कंडीशन जो है ये क्यों यूज़ किया जाता है? इट अलाउ अस टू सम वैल्यूज़ बेस्ड ऑन अ सिंगल कंडीशन। एक कंडीशन इसमें हम पास करते हैं ताकि हम कहें कि 10 से छोटी वैल्यू हो तो वो जमा ना करें। इस तरीके से अब देखते हैं इसको। तो इक्वल सम, इसका सेंटेक्स से रेंज देना पड़ेगा। क्राइटेरिया, इसमें हम जो है ना बताएंगे कि ग्रेटर देन हो या लेस देन हो। अगर ये एक कॉलम हो, अगर दो कॉलम में से हमने करना हो तो ये प्लस करके दो मरतबा सम इफ लगा देंगे। जैसे यहाँ पे है, इसमें हम वैल्यू लिख रहे हैं 10, 20 और 30। तो ये जो है यहाँ पे आके हम लिख देते हैं इक्वल सम इफ और गोर ब्रैकेट लगा देंगे और इसमें रेंज दे देंगे E1 ratio E3, कॉमा लगा देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा के ग्रेटर देन टेन वैल्यूज़ जो होगी वो यहाँ पे जमा कर आप कंडीशन अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसका जवाब 50 आ गया, 20 और 30, 10 को इसने जमा नहीं किया। अब दूसरे में हम लिख रहे हैं 10, 20 और 40, 50। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले के साथ प्लस करके ताकि एफ कॉलम वाले भी जमा हो जाए। सम इफ़ जैसे वही फार्मूले वैसे ये प्लस करके वही लिखना है। सम इफ़ ब्रैकेट रेंज दे देंगे F1 ratio F3, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना हमने रेंज दे दिया, अब कॉमा लगा देंगे और इन्वर्टेड कॉमास ग्रेटर देन 10। तो ये जो है ना हमने वैल्यू रखी, सॉरी कंडीशन रखा, और इसके बाद जो है हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा।